नमस्कार। नमस्कार निर्भय जी। बातचीत कर रहे हैं पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ बिहार से। इसमें कितनी सच्चाई रहती है कि प्रायः बड़ी पार्टी ऐसा चाहती है कि छोटी पार्टियां किसी न किसी रूप में बड़ी पार्टी के दबाव में अपनी पार्टी को विलय कर दे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जब नई पार्टी उन्होंने बनाई थी तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कहा था कि कुछ भी हो जाए, राष्ट्रीय लोक जनता दल जब उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, अपनी पार्टी का विलय किसी में नहीं करेंगे बड़ी पार्टी में, क्योंकि उनके पास एक पहले से एक उदाहरण भी था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में उन्होंने अपनी पार्टी को विलय कर लिया बाद में उनके साथ जो हुआ। और इसी तरह से जीतन राम मांझी को जदयू वालों ने कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। अब इसी तरह की चर्चा आ रही है कि चिराग पासवान को भी कहा गया कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लीजिए। तो इस दबाव के पीछे की राजनीति क्या होती है और रणनीति क्या होती है? छोटी पार्टी के जो सिस्टम है, उनके जो संगठन है, जो उनका कार्य प्रणाली है, उसमें अमूमन देखा जाता है कि छोटी पार्टी पर्सनल नेता के पर्सनालिटी बेस्ड नेता पर आधारित होता है। यानी कोई एक नेता विशेष जो होता है वो पार्टी का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पार्टी को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वही पार्टी को लीड करता है। और ये लगता है बड़ी पार्टी के नेताओं को यह लगता है कि जो छोटी पार्टी के नेता विशेष जो है उनको हम मैनेज करके उनके पार्टी को अपने में इमर्ज कर लेते हैं, तो उनका जो जमीनी स्ट्रेंथ है वो हम में इमर्ज हो जाता है। तो ऐसा वो प्रलोभन देते हैं, ऐसा प्रलोभन देने का चलन इधर कुछ ज्यादा बढ़ गया है कि आप अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में विलय कर लीजिए और कुछ ना कुछ उसके बदले में कुछ ऐसा प्रलोभन देते हैं, कुछ ऐसा चीज सामने फेंकते हैं कि वो कि सामने वाला जो व्यक्ति विशेष का नेता हो इनकार करने की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन जो वाकई में लीडर होते हैं, जो राजनीति के धारा को समझते हैं, राजनीति के तौर तरीकों और चलन को समझते हैं और जिनको दूर की राजनीति करनी होती है, दूर तक की राजनीति करनी होती है, वो इस तरह के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं। और अभी तक यही देखा गया कि जो लोग भी इस तरह के नेता जो है, छोटी पार्टी के नेता, यदि बड़ी पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए इस तरह के प्रलोभन फंसते हैं तो उनका तो वजूद तो खत्म होता ही होता है, उनका भविष्य की पॉलिटिक्स भी डगमगा जाती है। एक बार पार्टी के अंदर जाकर के फिर बाहर निकल करके फिर से संगठन को खड़ा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उन नेताओं के लिए। और क्या बड़े दल के नेता ऐसा सोचते और चाहते हैं कि चूंकि ये प्रलोभन की राजनीति है और किसी न किसी प्रलोभन के लिए ये छोटी पार्टियों के नेता राजनीति करते हैं, तो क्या छोटी पार्टी के नेता यह नहीं समझ सकते हैं कि बड़ी पार्टी के नेता भी किसी न किसी प्रलोभन में ही राजनीति कर रहे हैं देश दुनिया में या राज्य में? अब बड़ी पार्टी जो होती है वो अपना वो थोड़ा सा आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है, थोड़ा सा उनके पास कार सिद्धांत होते हैं, थोड़ा सा उनके पास एक लंबा ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है, तो वो सबके सहारे वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर शासन में आए, लोकसभा में अपनी अधिक से अधिक संख्या बढ़ाएं, अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं उनमें अधिक से अधिक संख्या बढ़ाएं। और ये छोटी छोटे दल के जो नेता होते हैं, छोटी छोटी पार्टियां होती है, वो बार्गेन गेम खेल करके अपना अपने आप को आगे बढ़ाती है और उस बार्गेन गेम में वो कहाँ तक सक्सेस हो पाती है ये डिपेंड उनके स्ट्रेंथ पर करता है कि जमीनी स्तर पर उस तरह की पार्टियां कितना स्ट्रेंथ लेकर के चल रही है। तो ये मतलब कि डेमोक्रेसी की इसको खूबसूरती कहिए, छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां होती है उसको डेमोक्रेसी की खूबसूरती कहिए। अब इसमें यदि कोई एक दूसरे के पीछे फेंक रहा है, पासा फेंक रहा है कि तुम हम में विलय कर जाओ और विलय करके हमसे आगे बढ़ जाओ, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो पावर का गेम है। अधिक से अधिक शक्ति की चाहत हर पॉलिटिकल पार्टी रखता है, अधिक से अधिक शक्ति की चाहत हर राजनेता रखता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो फार्मूला काम करता है, मत्स्य न्याय वाला फार्मूला काम करता है कि बड़ी मछलियां जो है वो छोटी मछलियां को खाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में आप डायरेक्ट नहीं निकल सकते हैं, किसी चीज को डायरेक्ट निकलने के बजाय आप पासा फेंकते हैं कि विलय कर लो और एक सरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यही होता है कि डेमोक्रेसी में बड़ी मछली का जो मत्स्य न्याय जो अमूमन नेचर प्रकृति में काम करता है
वो डेमोक्रेसी में भी काम करता है, लेकिन उसका थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो चुका होता है, और उसी इसी लिहाज से इन लोगों को देखा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब समता पार्टी का जदयू जनता दल यूनाइटेड में विलय हुआ था, उस समय भी रामविलास पासवान जी के सामने विकल्प था कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं मर्ज कर दें, लेकिन चूंकि अपनी उनकी विचारधारा अलग थी, उनके सिद्धांत अलग थे, उनका पूरा जन सरोकार अलग था, तो उन्होंने नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। अब इस तरह के अगर ये दिए जा रहे हैं, मतलब इनको प्रलोभन या इस तरह की बातचीत कुछ कही जा रही है चिराग पासवान को लेकर कि आप अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए और संभवतः 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको हम सीएम को ऑफर करेंगे और इस तरह की बातचीत, तो क्या इतना ही आसान है कि जो उनके पिता नहीं कर सके वो चिराग पासवान कर देंगे? हालांकि यह भी सुना जा रहा है कि इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। चिराग पासवान के पास यदि ऐसा कोई प्रपोजल है, ऑफिशियली मुझको जिसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनको ऐसा कोई प्रपोजल दिया गया है, होता है कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक सेटअप्स में बहुत सारी चीजें उछाल ही जाती है, तो हो सकता है कि ये बात कहीं से निकल करके आ रही हो कि चिराग पासवान के पास ऐसा कोई प्रपोजल गया हो कि आप अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दीजिए। अब यदि ऐसा प्रपोजल गया है और चिराग पासवान इनकार करते हैं तो उनका इनकार करना बिल्कुल सहज है। चिराग पासवान के जो पिताजी थे वो एक दूरदर्शी नेता थे, जिस समय उन्होंने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी उस समय भी और सारे बहुत सारे दल थे, लेकिन उनको पता था कि ये लोक जनशक्ति पार्टी को हमको कैसे लीड करना है, कैसे लीड करके इसको हमको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है और कैसे इसके प्रभाव में वृद्धि कर दिए, और वो बहुत हद तक सफल भी रहे। स्टेट की पॉलिटिक्स से लेकर के वो केंद्र की पॉलिटिक्स तक बिहार को बेस्ट बना करके उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को एक मजबूत पार्टी के तौर पर न सिर्फ एस्टेब्लिश किया राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि उससे मंत्री भी बने और लोकसभा में भी अपना सीट बढ़ाते रहे, लगातार बढ़ाते रहे, विश्वसनीयता हासिल करते रहे। अब चिराग पासवान और उनके चचा के बीच में उस पार्टी को लेकर के जो फसाद हुआ है, जो तनातनी हुई है, जो दो दो भागों में बटा है, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी की भी ताकत थोड़ी सी बिखरी है, और इस बिखरी हुई ताकत का इस फायदा उठाना तो बीजेपी चाहेगा ही चाहेगा। बीजेपी की यह पूरी कोशिश होती है कि वो मौके के साथ अपना विस्तार करे, तो वो विस्तार करने की कोशिश कर सकती है बीजेपी। लेकिन जो प्रपोजल वो चिराग पासवान को देने जा रही है, और मुझे लगता है कि चिराग पासवान इतने मैच्योर नेता हो चुके हैं या इतने समझदार हो चुके हैं कि उनको पता है कि हमको किसी में विलय नहीं करना है। इसके पहले वो अन्य पार्टियों के विलय का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में देख चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा का ट्रैक रिकॉर्ड देख चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक बार बीजेपी में शामिल हुए, फिर जेडीयू में जाकर के उन्होंने विलय किया, फिर अब अपनी पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी ताकत निरंतर कम होते गई है। तो इस चीज को चिराग पासवान समझ रहे हैं, और चिराग पासवान का जो मोमेंट चला है बिहार को लेकर के, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मोमेंट चला है, और जिस तरह से वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो चिराग पासवान एक मजबूत नेता के तौर पर उभर करके बिहार में सामने आए, क्योंकि उनका बेस्ट दिल्ली भी रहा है, दिल्ली से ही उन्होंने राजनीति की मतलब की एबीसीडी सीखी है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर भी केंद्रीय पॉलिटिक्स की भी उनकी अच्छी समझ भी है और अच्छी प्रैक्टिकल उनका कार्य व्यवहार भी है। हर तरह के नेताओं से उनका संपर्क है, हर फैकल्टी के लोगों से उनका संपर्क है। ऐसे में वो जा करके बीजेपी में विलय करके हमको नहीं लगता है कि वो अपना पूरा वजूद को डैमेज करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा अपने पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, अब जैसे अरुण अरुण जी उनके साथ जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए, तो उनको जा करके डैमेज वो नहीं करेंगे, ये इतनी समझ उनकी होगी। और वो यदि इंडिपेंडेंट चलते हैं, और जैसा कि वो इंडिपेंडेंट चल भी रहे हैं, तो बिहार में देर सवेर उनको जनाधार उनका बढ़ रहा है, और बहुत संभव है कि आने वाले भविष्य में चिराग पासवान को बिहार में एक युवा नेता के तौर पर, एक सशक्त मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाने लगेगा। और यदि अभी ऐसा कोई प्रलोभन में वो फंसते हैं तो फिर तो दूसरे के रहमो करम पर जाकर के अब प्रोटेस्ट करने की बात हो जाएगी ना, बीजेपी चाहेगी तब उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, बीजेपी नहीं चाहेगी तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, उनको हटा देगी, तो अपनी इस तरह की कमजोर स्थिति वो क्यों करेंगे, ऐसी स्थिति वो नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रपोजल वो स्वीकार नहीं करेंगे जो उनके कद को, बढ़ते हुए कद को, अभी उनके अंदर पूरी संभावना है, अपने बढ़ते हुए कद को वो डैमेज करें, मुझे नहीं लगता है। एक जो बड़ी पार्टी होती है या बड़े दल के नेता होते हैं, जब वो कहते हैं कि छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या अर्थ है, तो
तो लोकतंत्र की जब खूबसूरती यह है कि सभी, मैंने कहा जाता है कि समुद्र के किनारे पर या नदी के किनारे पर जहां बाघ है वहां बकरी का भी अस्तित्व हो, तो छोटी जो अगर दुकान छोटी दुकान अगर हो तो उसका अस्तित्व खत्म करना क्यों चाहते हैं बड़ी पार्टी या बड़ी दुकानदार वाले? एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो छोटी पार्टी के लोगों को दुकानदार बता रहे हैं कि वो दुकान चला रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप भी दुकान ही चला रहे हैं, चाहे आपकी दुकान बड़ी ही क्यों ना हो, आप भी शोरूम ही चला रहे हैं, चाहे वो शोरूम बड़ा ही क्यों ना हो। तो इस तरह की भाषा जो है, इस तरह का जो लैंग्वेज का इस्तेमाल चाहे जो भी नेता कर रहे हैं, जिस दल के भी नेता कर रहे हैं, नंबर 1 कि वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना भाषा है वो, कि कोई छोटी दुकान चला रहा है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में संगठन बनाने का, संगठन बना करके कार्य करने का, अपने रीति नीति का प्रचार प्रसार करने का, ये अधिकार आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत यदि आप पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशंस करते हैं, चाहे वो फॉर्मेशन राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे वो और भी छोटे स्तर पर हो, यदि पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशंस करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं तो चुनाव आयोग यह नहीं कहता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी दुकान है, आपका पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए आपका एक सांगठनिक ढांचा आपको पेश करना होता है। उस सांगठनिक ढांचा में आपको अपनी कार्य प्रणाली, आप अपना आपका फंक्शंस, आपके मैनिफेस्टो सब स्पष्ट होते हैं और तब जाकर के वो पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर पाती है। तो आप उसको कोई दुकान करार देता है तो हमें लगता है कि ये जो भाषा जो है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल भाषा है, और जो लोग भी ऐसा दुकान कर रहे हैं उनको मान करके चलिए कि वो अपनी पार्टी को भी दुकान ही समझ करके सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले नेताओं से कम पीपुल को अवेयर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और थोड़ा सा होशियार होकर के उनके एक्टिविटी को वॉच करना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि दलित और महादलित की चेतना या उनकी चिंता धारा या उनकी विचारधारा या उनकी जो समस्याएं हैं, जो चिराग पासवान अभी समझ रहे हैं, जो पूर्व में रामविलास पासवान जी समझते थे और कुछ हद तक जीतनराम मांझी समझते हैं, क्या दूसरी पार्टी के नेता जो विचारधारा उनकी एकदम अलग है समझ पाएंगे? जहाँ तक दलित और महादलित के फॉर्मेशंस की बात है, इनको लेकर के पॉलिटिक्स करने की बात है, इनको लेकर के संगठित करने की बात है, इनको गोलबंद करने की बात है, तो ये जो दोनों महादलित, तो अभी बिहार में एक नया टर्म याद किया गया, दलित पहले हुआ करता था, और ये महादलित शब्द जो है ये स्पेशली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या नाम उनका, रामविलास पासवान जी के मोमेंट को, जो जो दलित का राजनीति वो कर रहे थे उसको ब्रेक करने के लिए दिया था। उनको लगता था कि उनको खतरा किसी से महसूस होता था तो रामविलास पासवान जी से और उनकी पार्टी से उनको खतरा महसूस होता था, क्योंकि रामविलास पासवान जी एक सुलझे हुए नेता थे, राजनीति के तमाम तंतुओं की समझ उनको बहुत बेहतर तरीके से थी, और जिस तबके की, जो दलित तबका आप बोल रहे हैं, जिस तबके की वो राजनीति कर रहे थे उसको बहुत अच्छे से वो साध भी रहे थे और उनकी राजनीति सक्सेस भी हो रही थी, उसको गोलबंद भी करने में कामयाब हो रहे थे। तो नीतीश जी जो आया तो उसमें से उन्होंने महादलित शब्द का इस्तेमाल किया, महादलित शब्द का इजाद किया, खोज किया उन्होंने, और उस महादलित में से स्पेशली पासवान समुदाय को उन्होंने बाहर कर दिया महादलित से, और इस तरह की राजनीति करके उन्होंने एक अलग महादलित बनाया, उन्हें और छोटी छोटी जातियों को सूचीबद्ध करके वो एक एक अलग वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश किए, और उस वोट बैंक को क्रिएट करके वो अपना राजनीति आय की साधना शुरू कर दिए थे। वो काफी हद तक सफल भी उनका हुआ है, महिलाओं को उन्होंने गोलबंद किया है, महिलाओं को पिछड़ी जाति के जो जो महादलित जाति की महिलाएं थी उनको भी उन्होंने उन्होंने बहुत तवज्जो दिया, उनको आगे बढ़ाने का कोशिश किया। जीतन राम मांझी जो पहली बार मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था उसमें भी उन्होंने यही लॉजिक दिया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण जो है वो महादलित को कर रहे हैं, और महादलित के करने के नाम पर उन्होंने जीतन राम मांझी जी को आगे कर दिया था, और जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और कुछ दिन तक उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना शुरू किया, तब उन्होंने लगातार जो दौरा करते थे, घूमते थे, उनका थोड़ा सा कैनवास बढ़ा, थोड़ा सा उनका कैनवास बढ़ा
और तब उनको समझ में आया कि महादलित की जो राजनीति वो कर रहे हैं, महादलित के समुदाय के साथ वो जो मिल रहे हैं, उनकी जो मीटिंग हो रही है, ये एक अलग तबका है, एक मजबूत तबका है, और इस तबके को साध करके बिहार में एक नई धारा की पॉलिटिक्स की जाती है, की जा सकती है। और इस तरह से उन्होंने महादलित को साधना शुरू किया, और यही कारण है कि उनकी पार्टी जो है हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जो जो हम का उन्होंने निर्माण किया, उसका बेस महादलित है, और उस महादलित को आज भी वो बखूबी अपने में समेटे हुए और समेट करके आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश जी और उनकी पार्टी की तरफ से और उनके पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से लगातार उन पर दबाव बन रहा था कि भाई आप अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में मर्ज कर दीजिए, चूंकि नीतीश जी को लग रहा था कि जो महादलित का कंसेप्ट उन्होंने दिया है वो महादलित की कंसेप्ट से जीतन राम मांझी जो है उसको भुनाने की, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करने की, अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको चाहते कि मर्ज करके अपने पुराने धारा को समेट ले। जीतन राम मांझी जी और उनके बेटे इस बात को समझ गए कि ऐसा करना खतरनाक होगा, और उन्हें महागठबंधन को छोड़ करके महादलित को समेटते हुए अपनी पॉलिटिक्स को बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं और जाकर के बीजेपी के साथ मिलकर के हाथ मिला रहे हैं। तो अब बीजेपी महादलित को भी साधेगी मांझी के माध्यम से। तो इस तरह की राजनीति बिहार में भी हो रही है। ना, मेरा सवाल यह था कि दलित चेतना जो है, जिस तरह से बेहतर ढंग से चिराग पासवान समझेंगे, क्या उसी तरह से दूसरे नेता उसको समझ पाएंगे जिनकी विचारधारा एकदम अलग है और दूसरे तरह के लोगों की विचारधारा है? दलित चेतना एक अलग चीज है, दलित चेतना एक अलग चीज है, और दलित प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। दलित चेतना में बहुत सारी बातें आती है। दलित चेतना जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दलितों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो दलित चेतना को लेकर कहीं कर रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी को, सॉरी चिराग पासवान की पार्टी को हम दलित चेतना से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। उनकी पार्टी में हर तबके के लोग हैं, हर हर ढंग के लोग हैं, हर कौम के लोग हैं, और उनकी जो पार्टी जो है एक मतलब कि एक एक ऐसी पार्टी का रुख अख्तियार कर रही है, शक्ल अख्तियार कर रही है जो कि हिंदुस्तान का नक्शा पेश कर रहा है। तो इसलिए चिराग पासवान के ऊपर यह लेबल लगाना कि आप महादलित की चेतना को समझ लेंगे, और चिराग पासवान का यदि ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखिएगा तो रामविलास पासवान जी का हम बात समझ सकते हैं कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स की थी वो दलित दलित क्लास के जमीनी स्तर से शुरू की थी। लेकिन चिराग पासवान जी जो पॉलिटिक्स शुरू की है, उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है, वो दिल्ली की सोसाइटी से निकल करके सामने आया है। तो दलित चेतना की बात उसको नहीं लगता है कि चिराग पासवान भी उतनी सेंसिटिविटी के तरीके से दलित चेतना शब्द का व्याख्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे या सोच पाएंगे। लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बहुत बेहतर कर रहे हैं सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ करके। दलित चेतना का मतलब कि पिछड़े समाज की ओर इशारा है, मतलब कि ऐसे समाज जो दबे कुचले वंचित, आप जो और अन्य पार्टियां हैं उनका समाज बिल्कुल अलग है, वो कहीं ना कहीं एक अमीर विचारधारा माने मध्यम वर्गीय समाज है, उच्च वर्गीय समाज है। तो इस नाते मेरा सवाल है कि क्या दोनों की विचारधारा में अलगाव नहीं है? ये सवाल मेरा था। नहीं, विचारधारा क्यों, तो मैं बता रहा हूँ कि विचारधारा के लेवल पे इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दलित चेतना को और दलित कोई पार्टी दलित विरोधी नहीं है आज की तारीख में, और दलित और महादलित तबके के लोग भी आज इतने पॉलिटिकली जागरूक हो चुके हैं कि उनको पॉलिटिकली सप्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है। बहुत बहुत असंभव वाली बात है कि किसी दलित को या किसी दलित नेता को आप सप्रेस कर देंगे। वो अपने अधिकार को लेकर के जागरूक है, वो अपने संवैधानिक रूल्स एंड नियम्स को लेकर के जागरूक है, और उनको पता है कि पॉलिटिक्स में उनकी महत्व भी है, अपनी संख्या बल को लेकर के भी वो जागरूक है, और हर लेवल पर वो जागरूक है। इसलिए अब जो लोग भी दलित और महादलित के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, दलित चेतना की बात करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि दलित चेतना जैसे शब्द भी दलितों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दलितों को भी पता होता है कि हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, और किसके साथ हमको जाना है, हम किसके साथ हमको नहीं जाना है। और इसी लिहाज से बीजेपी का भी देखिएगा कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन है उसमें माना जाता है कि ये अगड़ों की पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन उसमें भी दलितों के लेवल पर जो काम हो रहे हैं साथ में बैठ करके, वो बहुत इंटेंसली वर्क हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी वही कर रहे हैं। तो महादलित दलित ये सब भी अब पहले की तरह नहीं है। आज से मतलब कि 20 साल 10 पीछे आप जा करके कैलकुलेट कीजिए उनको, और अब कैलकुलेट कीजिए तो बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत व्यापक परिवर्तन आया है। तो बातचीत के लिए आपका आभार।
नमस्कार। नमस्कार।